हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस स्टडी बाय सौम्या अग्रहरी। हम लोगों ने बच्चों कल सॉल्व किए थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के कुछ क्वेश्चंस, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। रूट्स ग्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड्स लाइक कॉनिकल स्पाइक्स एंड हैविंग एरेटिंग पोर्स आर कॉल्ड। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है माइकोराइजा, सेकेंड एसिमिलेटरी, थर्ड नेमेटोफोर्स, फोर्थ कॉनिकल। तो इसमें क्या होगा आंसर? पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए कि उसमें क्या कह रहा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है वो ये है कि रूट्स हैं जो कि वर्टिकली अपवर्ड्स लाइक कॉनिकल स्पाइक्स। तो पहले तो ये जान लो कि रूट्स जो भी जनरली होती हैं वो सॉइल के अंदर ही होगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि रूट्स ग्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड्स लाइक ऊपर ही, लाइक ऐसे ऐसे आपके वर्टिकली अपवर्ड होंगे ऊपर की तरफ, ओके, एंड हैविंग एरेटिंग पोर्स। तो इसी को ही बोला गया कि ये एरेटिंग पोर्स, लाइक इसमें एरेटिंग पोर्स होते हैं और उसको क्या बोलते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को, जैसे ये तो पूरा आपका प्लांट हो गया, ये पूरा प्लांट हो जाएगा, ठीक है। तो और ये जो है ये आपके क्या होगा, ये न्यूमेटोफोर्स, इस स्ट्रक्चर को न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, जो कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं ये, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूमेटोफोर्स होगा, ठीक है, क्या होगा, न्यूमेटोफोर्स होगा। और सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, अ फॉर्म ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम कंटेनिंग फूड रिजर्व दैट इज शॉर्ट एंड वर्टिकल इज कॉल्ड। तो अंडरग्राउंड स्टेम आपको बताने हैं कि जो कि शॉर्ट भी हो और वर्टिकल हो और फूड रिजर्व करता हो, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है ये है कॉर्म, राइजोम, ट्यूबर एंड बल्ब। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कॉर्म होगा आपका, ठीक है। कॉर्म का एग्जांपल क्या था, कॉर्म का जो एग्जाम्पल था वो कोलोकेशिया था। राइजोम का एग्जाम्पल जो था वो आपका टर्मरिक एंजिंजर था। और ट्यूबर का क्या था, ट्यूबर आपका पोटैटो, और बल्ब जो बल्ब का अनियन एंड गार्लिक होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, कॉर्म होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट ये रहा आपका क्वेश्चन, इन बोगेनवेलिया थॉर्न्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ। तो इसके ऑप्शन है फर्स्ट स्टिप्यूल, सेकेंड लीफ, थर्ड स्टेम एंड फोर्थ एडवेंटिशियस रूट। तो पहले तो ये जान लो कि जो हम लोगों ने बोगेनवेलिया पढ़ा था वो कहाँ पढ़ा था, एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में पढ़ा था, ठीक है। तो स्टेम का ये मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक, और कहाँ पढ़ा था, एरियल मॉडिफिकेशन में पढ़ा था। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, स्टेम होगा। तो इसके साथ कौन कौन से थे स्टेम, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन के कौन कौन से एग्जांपल थे, थॉर्न्स जो कि फर्स्ट बोगेनविलिया एंड सेकंड सिट्रस था। एरियल में चार हम लोगों ने पढ़ा था, एक फेलोक्लेट पढ़ा था, सेकेंड टेंड्रिल था, थर्ड क्लेरोट था एंड फोर्थ थॉर्न था, जो कि जिसका ऑप्शन एग्जांपल बोगेनविलिया एंड सिट्रस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन। तो इसमें से कौन सा स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है ये बताना है। फर्स्ट है थॉर्न्स ऑफ सिट्रस, सेकेंड पिचर ऑफ नेपेंथेस, थर्ड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपेंशिया एंड फोर्थ टेंडल्स ऑफ कुकम्बर। तो पहला जो है थॉर्न्स ऑफ सिट्रस, जो कि अभी बताया मैंने, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन का ये एग्जाम्पल है सिट्रस और बोगेनविलिया। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपेंशिया, जिस जो कि फिलोक्लेट का एग्जाम्पल है, एरियल फिलोक्लेट स्टेम मॉडिफिकेशन, और टेंड्रिल्स ऑफ कुकुम्बर जो कि टेंड्रिल्स के एग्जाम्पल्स हैं एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन के, और ये गोट फैमिली एंड ग्रेपवाइन्स फैमिली में था। तो ये बचा ऑप्शन पिचर ऑफ नेपेंथेस। पिचर ऑफ नेपेंथेस जो है वो लीव्स का मॉडिफिकेशन है, ठीक है, किसका है, लीव्स का, जो कि इंसेक्ट को वो कैप्चर करता था, ठीक, पिचर ऑफ नेपेंथेस। तो ये लीव्स का मॉडिफिकेशन हो गया। तो इसका सही आंसर क्या है, पिचर ऑफ नेपेंथेस, ठीक। नेक्स्ट है आपका, इन द साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस। तो इन्फ्लोरेंसेस पहले ये बताइए कितने टाइप के थे, हम लोगों ने पढ़े थे दो टाइप के पढ़े थे, कितने टाइप के पढ़े थे, टू टाइप्स के। पहला क्या था, पहला जो था वो आपका रेसिमोस था, क्या था, रेसिमोस था,
एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है और दूसरा था साइमोज। ठीक है, तो रेसिमोज में पहले तो इसके ऑप्शन पढ़ लो आप, क्या क्या था। द मेन एक्सिस कॉन्टिन्यूज टू ग्रो एंड द फ्लावर्स आर बॉर्न इन एक्रोपिटल सक्सेशन। सेकेंड, द मेन एक्सिस कॉन्टिन्यूज टू ग्रो एंड द फ्लावर्स आर बॉर्न इन बेसिपिटल सक्सेशन। थर्ड था, द ग्रोथ इज लिमिटेड एंड द फ्लावर्स आर बॉर्न इन बेसिपिटल सक्सेशन। एंड फोर्थ, द ग्रोथ इज लिमिटेड एंड द फ्लावर्स आर बॉर्न इन एक्रोपिटल सक्सेशन। तो इतना बताइए, रेस से मोज में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेस का मतलब होता है कि रेस कर रहा है। रेस मतलब कि कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। कोई भी प्लांट जब कंटिन्यू ग्रो करता है, और इसका हमने स्ट्रक्चर बताया था कि ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर हो गया, फिर इसके बाद छोटे छोटे फ्लावर, बाद में पहले बड़े फ्लावर, मैच्योर फ्लावर, फिर छोटे फ्लावर, तो ऐसे ऐसे करके ये पूरा ग्रो करता रहता था। मतलब ये एपेक्स में इसकी एंडिंग नहीं होती थी, ठीक। और साइमोज में क्या था, साइमोज में जस्ट रेसिमोज का ऑपोजिट होगा, तो साइमोज में जो फ्लावर बन रहे थे वो कैसे बन रहे थे, उसमें फ्लावर से ही एंडिंग हो जा रही थी, ठीक है, एपेक्स में थे और वो ग्रोथ लिमिटेड थी, ठीक है, पहले मैच्योर फ्लावर, फिर इसके बाद छोटे छोटे ये नीचे उसके फ्लावर रहते थे, तो एंडिंग कहाँ किससे होती थी, वो एपेक्स पे ही आपके फ्लावर मिल जाते थे, ठीक है, ये एपेक्स पे ही फ्लावर मिल जाएगा। तो ग्रोथ इसमें लिमिटेड थी और क्या था, बेसिपिटल सक्सेशन था। याद करने का तरीका भी बताया था कि रेसिमोज में रेस कर रहा मतलब ग्रोथ कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, और ये ए साइज का बना लेता था, ए साइज का बनाता था, तो इसका मतलब क्या था कि एक्रोपिटल सक्सेशन। और इसी का जस्ट उल्टा कर दो आप साइमोज में, कि ये लिमिटेड ग्रोथ तो थी ही और इसका बेसिपिटल सक्सेशन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, द ग्रोथ इज लिमिटेड एंड द फ्लावर्स आर बॉर्न इन बेसिपिटल सक्सेशन। तो मैं और भी क्वेश्चन आगे कराऊंगी इसी से रिलेटेड, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, थैंक यू।